अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयद नाहिदा कादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 6 अप्रैल मंडे यानी पीर का दिन है आज, और इस वक्त मैं संतोष नगर आई हूँ, जहाँ पर आप लोगों को याद होगा एक मासूम सी बच्ची रहती है जिसके कमर में से पैर काम नहीं कर रहे हैं। कमर के नीचे का हिस्सा जितना भी होता है, आधा जिसम बच्ची का काम नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा बच्ची तकलीफ में थी, और बच्ची के आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए एक ही जगह पड़े पड़े बच्ची के पैर सड़ गए हैं यहाँ पर एड़ी में, तो बहुत तकलीफ में है बेचारी बच्ची है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई दिन से खिदमत खुर्शीद की तरफ से बच्ची को हकीमी इलाज के जितने भी दवाओं की जो जरूरत थी वो बराबर इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की तबीयत थोड़ा थोड़ा सुधार आया है। जैसे कि पहले बच्ची बात नहीं कर सकती थी, अपने हाथ भी नहीं उठा सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची हाथ उठा सकती है, बात कर सकती है। सलाम करो बेटा। सलाम अलैकुम। अल्लाह का करम है बस मैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम जल्द से जल्द आलिया को बिस्तर से उठाना चाहते हैं, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी इंशाल्लाह, मैं बस अल्लाह से उम्मीद है मेरी कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर जल्द से जल्द आलिया को सेहत देगा और इंशाल्लाह आलिया अपने पैरों पर चल सकेगी। बच्ची मैं बहुत बस आप लोगों से ये चाहती हूँ कि इस वक्त इन लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, और हमारा इरादा ये भी है कि जैसे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद, जनता कर्फ्यू खत्म होने के बाद इंशाल्लाह हम बच्ची का डॉक्टरी इलाज कराने की सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, जनता कर्फ्यू खत्म होगा, तो मैं इंशाल्लाह जरूर आलिया का डॉक्टरी इलाज करवाऊंगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द। और जिस वक्त जैसे कि आप लोग जानते हैं लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, और आलिया के घर में भी राशन खत्म हो चुका है, यहाँ पर इन लोगों के पास राशन भी नहीं है, और बच्ची की दवाइयों के लिए भी जरूरत है, जो 7000 रुपए की दवाइयां हैं, 2000 रुपए का राशन, टोटल इन लोगों को 9000 रुपए की मदद की जरूरत है। आप लोग जैसे चाहें इनके लिए मदद दे सकते हैं, राशन दीजिए या फिर दवाओं के लिए जो भी अमाउंट आप देना चाहते हैं, 1000, 2000, 3000 करके भी आप बच्ची की दवाओं का इंतजाम कर सकते हैं। 7000 रुपए की एक महीने की दवा होती है लड़की की, और 2000 रुपए का घर का राशन है। ये इनके मेरे साथ इनकी वालदा ठहरी हुई है। बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, परेशान है, इस वक्त दवाएं की जरूरत है और राशन घर में नहीं है, बहुत परेशान है, आप लोगों की मदद करिए। बस आप लोग से जैसे हो सका आप लोग आलिया के लिए, जो मासूम बच्ची के लिए मदद कर सकते हैं, और हमारी कोशिश है कि हम आलिया को उसके पैरों पर खड़ा कर सके, बच्ची को हम चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की और दुआओं की जरूरत है। इन लोगों को 9000 रुपए की मदद की जरूरत है, आप जैसे चाहें इनके लिए मदद दे सकते हैं। खुदा हाफिज़। जय हिंद। खुदा हाफिज़।